हिंदी सिनेमा के अनसुने किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम प्राइम फ्लैशबैक। हिंदी सिनेमा के प्राण यानी कि प्राण कृष्ण सिकंदर, जिन्हें हिंदी सिनेमा में सिर्फ प्राण के नाम से जाना जाता है। प्राण का जन्म दिल्ली के बल्ली मारन में हुआ था। प्राण वैसे तो बनना चाहते थे एक फोटोग्राफर, पर किस्मत ने उन्हें बना दिया अभिनेता। अभिनेता बनने के पीछे प्राण ने बहुत ही संघर्ष किया, तब जाकर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग मुकाम बनाया। दरअसल प्राण बंटवारे से पहले लाहौर व पंजाब में बनने वाली बहुत सी फिल्मों में काम कर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए थे, पर बंटवारे के बाद पाकिस्तान में फिल्में बनना कम हो गईं और ऐसे में प्राण अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। प्राण जब यहां आए तो एक बहुत बड़े होटल में रुके और काम की तलाश करने लगे, पर जैसे जैसे समय बीत रहा था प्राण धीरे धीरे 5 सितारा होटल से गेस्ट हाउस में रहने को मजबूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा था और उनकी माली हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन प्राण को बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी की कामयाबी ने कुछ हद तक सहारा दे दिया और इसके बाद प्राण साहब के अभिनय का पहिया धीरे धीरे चल निकला। बाद में इसी प्राण को फिल्मों में हीरो से ज्यादा पैसे मिलने लगे। प्राण अपने आप में किसी भी हीरो से कम नहीं लगते थे। उनका किसी फिल्म में होने का मतलब फिल्म की सफलता की गारंटी होती थी। ऐसा नहीं है कि प्राण साहब ने हमेशा फिल्मों में पैसे के लिए ही काम किया हो, उन्होंने कई कलाकारों की कई बार मदद भी की थी। इन्हीं में से एक थे राज कपूर भी। राज कपूर ने जब प्राण को अपनी फिल्म बॉबी में साइन करने का मन बनाया, तब उनके पास प्राण को देने के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने प्राण को साइन करने का इरादा छोड़ दिया था। लेकिन जब प्राण को ये बातें मालूम हुई, तब उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी में 1 रुपए की टोकन मनी की साइनिंग अमाउंट पर काम किया। पर्दे पर प्राण भले ही एक मशहूर खलनायक थे, पर वो असल में एक अच्छे इंसान भी थे। फॉर मोर वीडियोज एंड बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरीज सब्सक्राइब प्राइम फ्लैशबैक वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट।